गणपति बाप्पा। शेखर जी आपके क्या कहने सर, कसम से इतने सालों के बाद वैसे के वैसे दिख रहे हैं, खूब मेंटेन किया है। और आपने भी सर दाढ़ी वाड़ी कटवा के एकदम चिकने लग रहे हैं आप। सॉरी, एकदम सॉरी। वो क्या शेखर जी को सिद्धू जी को साथ में देखने की आदत है ना, कि इसको नहीं लगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपका हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने हमको बताया कि आप जब तक हंसेंगे नहीं पेमेंट मिलेगा नहीं। सही है। आपको हमको फ्री फंड में, इसलिए मैं और मेरा दोस्त आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट अरे बैठ मत, स्टैंड अप कॉमेडी करना, चल उठ। अरे किधर लेके आया मुझे? अबे इधर देख, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, क्या देख रहा है? मैं कौन सी ट्रेन आ रही है? ट्रेन का नहीं, ये कॉमेडी का प्लेटफॉर्म है। हम कॉमेडी के डिब्बे, ये कॉमेडी का इंजन है, ये हमको बहुत दूर तक लेके जाएगा। हम डिब्बे? यस। ये इंजन? यस। माल डब्बा देख। उधर ध्यान नहीं देने का, पूरा ध्यान इधर देने का, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बाहर से मंगाया क्या? इंपॉर्टेंट। अच्छा, सिमिलो शेखर सुमन जी। नमस्ते शेखर जी। नमस्ते सुमन जी। सुमन तो है ये, मन से भी तन से। अरे ये अलग अलग नहीं है, ये पूरे के पूरे शेखर सुमन है। ये अकेले अर्चना जी, सुमन है ये, पूरन है। अरे तो इनका नाम सुमन नहीं है? नहीं नहीं। अरे यार क्या, अरे इतने फूल जैसी दिखती है, नाम तो सुमन होना चाहिए था। देख आंखें देख। सुरमई फ्राई। गाल दे गाल। ऐसा लगता है 100 रुपए किलो टमाटर ठूस ठूस के भरे हैं। देख उसकी ज्यादा छेड़छाड़ी मत कर। वो दोनों के दोनों जज है। दो क्यों? एक लॉजिक के लिए, एक लाफ्टर के लिए। करना क्या है बता अभी। देख तू पहले माहौल समझ ले। ये दोनों का परिचय हो गया। अब इधर आ। ये है सुरेंद्र जी। इनका बैंड है। मेरे बहन की शादी है, बजाओगे? शादी में बजाना वाला बैंड नहीं, यहाँ पे बजाते हैं बैंड। हम जो पंचेस मारेंगे उनको ऐसा हाईलाइट करेंगे। जरूरी आदमी है ये। फिर भी इनके भरोसे नहीं बैठने का। क्यों? क्योंकि ये भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं। और इनसे मिलो, ये अलबेला। अलबेला? ये पूरा का पूरा तबेला लग रहा है मुझे। इनसे मिल, ये है रोशन राव। ये पहले बोलने का। इधर जा। जान पहचान। शगुन। पैसे क्यों दिए उसको? अरे गरीब है, उसके कपड़े फटे हुए देख। अरे ये फैशन है, ये फटे कि नहीं कपड़े? क्या करना है बता। अबे करना कुछ नहीं है, कॉमेडी करना है, जोक्स मारना है, इनको हंसाना है। जैसे एक आदमी के ऊपर वाले दांत को कीड़ा खा रहा था, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इसके नीचे वाला दांत निकाला, तो पेशेंट बोला मेरा नीचे वाला दांत क्यों निकाला? तो डॉक्टर बोला वो जो कीड़ा है वो नीचे वाले दांत पे खड़ा रह के ऊपर वाला खा रहा था। ऐसा जोक नहीं। कीड़ा कौन सा था? सुलेमानी रहमानी। एक्चुअली वो इतना ऊपर नहीं जाते। कीड़ा कौन सा था वो बता। सुन मेरी बात, वो लॉजिक में नहीं घुसने का, ऐसे जोक बोल दिया, हो गया, हंस दिया, सब हो गया। अरे नहीं यार मुझे बता वो कीड़ा। एक मिनट भाई, जोक चेंज कर लेते हैं। जोक चेंज। एक डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था। जोक चेंज किया ना, डॉक्टर भी चेंज। अरे दूसरा डॉक्टर है। तो डॉक्टर फूल लेके गया, पेशेंट ने पूछा ये फूल क्यों लाया? डॉक्टर बोला ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, अनसक्सेस हो गया तो तुम्हारे लिए। ऐसा जोक नहीं, उसको हुआ क्या भाई? जो कैसा बोल दिया, छोड़ दिया, हो गया। नहीं नहीं, ऑपरेशन चल रहा है तो कुछ तो हुआ होगा ना। उसका किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा, क्या होगा? तो अकल है तुमको? एक आदमी का किडनी खराब है, लीवर खराब है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो जिएगा मरेगा पता नहीं है, उसकी बीवी रो रही है, ये यहाँ मेकअप करके बैठी है और तुम लोग जोक सुना के हंसा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मेकअप करके शर्म की। अरे
तू ना कॉन्सेप्ट नहीं समझा, मतलब मजाक है, कोई आके इधर को बोल देगा देखा देखा इसका मुंह देखा ऐसा लगता है ना जंगल में स्कूटर पार करिए ऐसा। तो इसमें जोक किधर है? मेरा मुंह है ही ऐसा। ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, छोड़ दिया। कविता आती है, उसका हस्बैंड घर पे नहीं रहेगा तो आती है। गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे मैं तो? कविता मतलब पोयम, पोयम आती है क्या? पोयम आती है ना। चल सुना दो। मैं चुप रहूंगा, वाह आप सुन लेना। तू चुप रहेगा तो मैं कैसे सुनूंगा? अरे कविता का नाम है वो। अच्छा चल आगे। हाँ मैं चुप रहूंगा आप सुन लेना। वाह आगे 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 खत्म हो गया। खत्म ब्लैक कॉमेडी बोल दे इसको। तू क्यों कर रहा है ब्लैक कॉमेडी? मैं दूसरा क्या करूं अभी? ऐसा होता है ना कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुनना मेरा उल्टा है, मेरे को जाने का है लेकिन वो बुलाती नहीं है। उसके पीछे मत पड़, लाइन वहां से शुरू भी हो चुकी है। एक मिमिक्री आता है, मिमिक्री। अरे हाउसफुल था मेरा शो, सात लोग थे। सात लोग में हाउसफुल किधर किया शो? मेरे घर में हाउसफुल था मेरा। सब ऐसे ऐसे हंस रहे थे। अरे यार ऐसे नहीं है, कुछ स्टेज पे काम किया है। हाँ तो ये खंभा मैंने ही लगाया है। आपके सामने पेश खिदमत है अमिताभ बच्चन। अभी माहौल समझ लो आप क्या देख। बच्चन जी आएंगे यहाँ पे खड़े रहेंगे, वहाँ पे ना एक सलून है। हाँ सलून के बाजू में रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला सो रहा है वहाँ पे। हाँ यहाँ पे पाव भाजी की गाड़ी है। ये सब नहीं सुनने का, डायरेक्ट आवाज निकालना। तू आपके सामने हाजिर है अमिताभ बच्चन। बच्चे साहब किधर है? वो तो चले गए यहाँ से यार। आवाज कौन निकलेगा? अरे वो आपने बोलना चाहिए ना, तो वो बोलेंगे ना। अरे चले, इतना बड़ा आदमी आपके सामने से चला गया, कुछ तो पूछो यार। ऐसे भी जा सकते बच्चे साहब? ओ बच्चे साहब इधर आओ, ऐसे ही आओ, इधर आओ, इधर आओ, प्लीज इधर सो, चल रहा है इधर सो। अरे ऐसा कैसे बुला रहे हो आप? रुको। हाँ हेलो अमित, सुना छोड़ना छोड़ना, चलना छोड़ना, क्या नाटक है बच्चा है रे, चलना चल बेटा आजा। बच्चे सबको ऐसे बोला था अमित बेटा? नहीं अमित उनके ड्राइवर का नाम है ना। वो लेके आएगा अभी उनको। आ रहे ना? हाँ आ रहे, आ गए। आपके सामने पेश की बता अमिताभ बच्चन। हाँ पापा पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। ये किसकी आवाज है? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन की आवाज ऐसी है? छोटा अभिषेक। और बच्चे को क्यों लाया अभी? अभी वो आ गया शूटिंग देखने, तो क्या करूं मैं। ए दरवाजा बंद करो यार, बच्चों को मत भेजो इधर, कोई बच्चे नहीं चाहिए मुझे इधर। ए जा रहे, चल चल चल। अब आपके सामने हाजिर है अमिताभ बच्चन। जल्दी साहब जी 10 बज गया, बंद कर दो सब। ये डायलॉग कौन से फिल्म में बोला था बच्चन साहब ने? वो वॉचमैन आया ना वहां से, वो बोला 10 बज गया अभी बंद कर दो सब। अरे वॉचमैन क्यों आया? अरे वो आ गया, मैं क्या करूं? वॉचमैन का आवाज नहीं चाहिए मुझको, बच्चन का आवाज चाहिए, आवाज चाहिए, आवाज। ओ ये है आवाज। कैसी रही? खट्टी मीठी चटपटी। वो बताएंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.